आज से लगभग 20-22 साल पहले जब हमारा जन्म हुआ था, उस वक्त तो दोनों राज्य एक ही थे ना। उस वक्त तो बिहार झारखंड अलग नहीं थे। आने वाला समय बताएगा कि किसने यहाँ का होके भी क्या किया। जो लोग झारखंड के विकास की सोच रखते हैं, आने वाला समय झारखंड की जनता किनका साथ देगी, ये चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। मैं भी कहा कि अब जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, हकीकत है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का मान सम्मान रुतबा उस स्तर तक बढ़ा दिया है कि आज जब भारत कुछ कहता है तो पूरी दुनिया भारत। देखिए, जैसा पिछली बार भी हम आए थे उस वक्त भी हमने कहा था कि झारखंड में आने वाले दिनों में यहां पर चुनाव होने वाले हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास धीरे धीरे संगठन के स्तर पर अपने आप को मजबूत काफी हद तक कर चुकी है। पार्टी की राज्य इकाई का ये फैसला होगा कि पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहती है या अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। बहरहाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जहां जहां पर भी पार्टी का संगठन मजबूत है और पार्टी जहां पर भी कार्यक्रम चाहती है, उस दृष्टि से आने वाले दिनों में हमारे कई कार्यक्रम यहां पर लगेंगे। आज 23 तारीख को हम लोगों का लातेहार में, पलामू में भी कार्यक्रम है। आगामी 29 तारीख को फिर हम आएंगे, फिर यहाँ पे कार्यक्रम है, धनबाद में कार्यक्रम है वो। उसके बाद 6 को जमशेदपुर में कार्यक्रम है। तो आने वाले दिनों में कई ऐसे कार्यक्रम हैं और साथ ही में इन कार्यक्रमों के दौरान ही राज्य इकाई का ये फैसला भी तय किया जाएगा कि चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या भूमिका रहती है। देखिए, ये घटना जितनी चिंताजनक है उतनी ही निंदनीय भी है। जिस तरीके से करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंचाया गया है, ऐसी घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसमें जो भी कोई दोषी होंगे, ये विश्वास सरकार आपको दिलाना चाहती है कि जो भी कोई इसमें दोषी होंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। सरकार के विधायक ने कहा है कि बिहारी को बांध के अब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना भारत जैसे देश में, जहां पर हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि देश का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर रह सकता है, कार्य कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, ऐसे में जब क्षेत्रवाद और इस तरीके से बांटने की राजनीतिक सोच को जब देश के लोगों पर लागू किया जाता है, ये गलत है। इस तरीके से बिहार के, भाई क्या बिहार के लोग, आज से लगभग 20-22 साल पहले जब हमारा जन्म हुआ था, उस वक्त तो दोनों राज्य एक ही थे ना। उस वक्त तो बिहार झारखंड अलग नहीं थे। ऐसे में जब आप इस तरीके की सोच रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं बांटने की उसी सोच को बढ़ावा देता है जिसमें कभी आप जातीयता पे बांटते हैं लोगों को, कभी सांप्रदायिकता में बांटते हैं और अब क्षेत्रवाद में भी बांटकर आप सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। आने वाला समय बताएगा। मुख्यमंत्री जी जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आने वाला समय बताएगा कि किसने यहां का होके भी क्या किया राज्य के लिए। और जो लोग झारखंड के विकास की सोच रखते हैं, आने वाला समय झारखंड की जनता किनका साथ देगी, ये चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। थैंक यू भाई। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, कल जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका की धरती पे हुआ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को दर्शाता है और इस बात में कहीं कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की वजह से आज भारत का सम्मान विदेशों में बढ़ा है। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी कहा कि अब जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, हकीकत है।
आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का मान सम्मान रुतबा उस स्तर तक बढ़ा दिया है कि आज जब भारत कुछ कहता है तो पूरी दुनिया भारत